छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ते हुए अवैध हथियारों की तस्करी और मोहखेड़ में फायरिंग की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने आज खजरी रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में छापा मारकर एक युवक से 12 नग पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कमलेश नाम का यह युवक बालाघाट जिले के वारासिवनी में आकर यहाँ रह रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जब फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहे कमलेश पिता जयचंद पटेल के घर छापा मारा तो घर की अलमारी से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह वारासिवनी जिला बालाघाट से आकर यहां रह रहा था और यह हथियार वह बेचने के उद्देश्य से लेकर आया था। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस युवक ने यहाँ कितने हथियार बेचे हैं और उसे हथियार कहां से प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हथियार खंडवा और खरगोन से यहां आए हैं। पुलिस पूरे गिरोह के बारे में तहकीकात कर रही है। आज जिला छिंदवाड़ा के देहात थाने में टीआई वीके जी, सीएसपी प्रियंका पांडे जी और एडिशनल एसपी संजीव वीके साहब के द्वारा मेहनत की गई और आज फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र है, थाना देहात जिला छिंदवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से 12 नग पिस्तल और 10 लेव एम्युनिशन मिले हैं। यह कमलेश पटले नामक व्यक्ति का है जो मूलतः वारासिवनी बालाघाट का रहने वाला है और यहाँ एक महीने से किराए काम में रह रहा था। उसके पास से रिकवर हुआ है। छानबीन पर पता चला इस व्यक्ति के खिलाफ 2016 में भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था जिला छिंदवाड़ा में, जिसकी सज़ा अभी भी है और सज़ा से फरार चल रहा है। हम इस केस को अभी और डेवलप कर रहे हैं और व्यक्ति का पीआर ले रहे हैं। इसके द्वारा भी बताया गया कि रिमांड क्षेत्र के आसपास इसके द्वारा गन्स एक्वायर की गई हैं। गन्स की क्वालिटी और मेक से ये बात सही मालूम पड़ रही है, किंतु अभी इसमें और अग्रिम विवेचना की जाएगी एग्जैक्टली किसके द्वारा किया गया और इसका इरादा जो ये सारे 12 वेपन्स का था, अलग अलग क्रिमिनल्स को बेचने का था, तो किस किस को बेचने का था ये भी विवेचना में भी क्लियर किया जाए। अभी हाल में जो दूसरे क्राइम में वेपन का यूज़ हुआ था वो दूसरे व्यक्ति द्वारा बेचा गया था और वो वेपन भी रिकवर हो गया है। अभी आगे इसके बेचने की कोई सूचना में नहीं मिली है, लेकिन ये सामान लगभग 6 लाख रुपये का था, तो हमारा मानना है कि अवश्य ही इसका शीघ्र बेचने का प्लान हुआ होगा। उसको डेवलप करके जिनके पास भी जाना था उसका हम खुलासा जल्द करेंगे। छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।